Audio Jungle. हाय दोस्तों, मैं सत्वी चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी कैंपस आगरा पर। तो हम दो क्लास पढ़ चुके हैं, ये आज डाइस की तीसरी क्लास है, पासे की तीसरी क्लास है। और इस क्लास में हम पासे में जो हम पासा दे रखा होता है, पासे की लुप्त संख्या ज्ञात करना। तो हम यहाँ पे लुप्त संख्या जो दे रखी, जो लुप्त संख्या पूछता है उसको यहाँ पे हम ज्ञात करना सीखेंगे। या किसी भी डाइस में जो हमें भरने के लिए दे रखा होता है, जो खाली डाइस दे रखा होता है उस पर एक अंक भरना हो या दो अंक भरने हो, वो आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो आज जो है आप लोग पूरी क्लास देखना, ये अच्छे से बिल्कुल आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डाइस जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं क्वेश्चनों में रहती है, बाकी सारे टाइप कर लेते हैं लेकिन इसी टाइप में दिक्कत रहती है। आप यूट्यूब वगैरह या बुक में देखते हो तो कम क्वेश्चन मिलते हैं और एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा इन पर और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे कोई भी दो पासे दे रखे हों, यहाँ पे कोई भी दो पासे ऐसे दे रखे हों और उसमें यहाँ पे बताना, ये दो पासे दे रखे हैं और हमें इस तीसरे पासे में बताना होता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी। तो देखो उसके लिए क्या करना है, हमें इन दोनों पासों में सबसे पहले हमें कॉमन अंक देखना है। तो दोनों पासों में क्या कॉमन दे रखा है आपको, कोई दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे चार का अंक कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चार का अंक कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो देखो आपने अभी, मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगा आपको, जो हम डाइस को हम खोलते हैं, जब डाइस को ओपन करते हैं तो उसकी छह सतह हमें कैसे दिखाई देती हैं, वो हमें इस प्रकार दिखाई देती हैं, इस प्रकार हमें वो दिखाई देती हैं। अगर हम पूरे पासे को खोलते हैं, खोलने के बाद देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह का दिखाई देता है। इसमें वो ऐसे करके ये बने होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके ये बॉक्स नहीं बनाने हैं, जो ऊपर बने होते हैं, ओपन डैश को हम खोलते हैं तो वो हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। तो हम इस पर कैसे बनाएंगे, हमें ऐसे करके बनाना है, ये ऐसे करके, तो हमें कुछ इस तरीके का ये बनाना है। फिर क्या करना है, इन दोनों पासों में हमें सबसे पहले कॉमन अंक देखना है। तो कॉमन कौन सा अंक है इसमें, कॉमन अंक जो है चार का दे रखा है, ये चार कॉमन दे रखा है। जो कॉमन दे रखा है उसको सबसे ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कॉमन दे रखा है उसको सबसे ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, पहले वाले पासे से क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। कैसे चलेंगे, देखो चार है, चार के बाद तीन छः पे चलेंगे, छः के बाद एक पे चलेंगे, चार है चार के बाद छः चलेंगे, छः और छः के बाद कहाँ चलेंगे, एक चलेंगे। फिर क्या करते हैं, दूसरे वाले पासे से चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखो चार से हम चलेंगे तीन पे और तीन से चलेंगे दो पे, चार यहाँ पे, चार के बाद चलेंगे तीन पे और तीन के बाद चलेंगे दो पे, ठीक है। फिर क्या करते हैं दोस्तों, जो ऊपर वाला नंबर है, जो इन दोनों पासों में जो नंबर नहीं दे रखा है वही इसके अपोजिट होगा, तो यहाँ पे हम अपोजिट लिख देंगे। तो चार के अपोजिट क्या है, कौन सा नंबर नहीं दे रखा, देखो मुझे यहाँ पे पांच का अंक दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं पांच का अंक यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे करके। तो देखो ये क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे चार का अपोजिट क्या है, पांच, मतलब एक बॉक्स छोड़ के एक अपोजिट होता है। जैसे छह का अपोजिट मैं बताऊं तो यहाँ पे तीन है, दो का अपोजिट बताऊं यहाँ पे एक है, चार का अपोजिट बताऊं यहाँ पे पांच है, ऐसे करके होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये ऐसे करके भर लेना है। भरना सीख गए, फिर क्या करते हैं, जिस पासे में हमें पूछता है कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा उसे इस वाले से मैच करते हैं, उस पासे को इस वाले पासे से क्या करते हैं हम लोग, मैच करते हैं। कैसे मैच करेंगे, तो देखो तीन दे रखा है, तीन के बाद चार दे रखा है, फिर कोई यहाँ पे खाली दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो चार जो है हमेशा बीच में आना चाहिए, मतलब ये वाली सतह जो है तीन के बाद जो यहाँ पे आ रही है, ये वाली सतह हमेशा क्या होनी चाहिए, इस वाले फिगर में बीच में आनी चाहिए। तो देखो तीन, तीन के बाद चार दे रखा है यहाँ पे,
ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी चलना है, तीन के बाद चार दे रखा है, तो देखो तीन कहाँ है, तीन, और तीन के बाद यहाँ पे चार दे रखा है, तीन, तीन के बाद ये चार दे रखा है, चार के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा। ऐसे करके सर्किल बनाना है हमें, ऐसे करके हमें क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ पे भी ऐसे करके हमें एक सर्किल सा बनाना है, तीन के बाद चार, चार के बाद क्या आ गया, यहाँ पे एक आ गया, तो एक हम यहाँ पे लिख देंगे, एक यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारी लुप्त संख्या जो है वो हमें ज्ञात हो गई। ऐसे करके हो गई। एक बार और समझ लो, देखो ये वाला जो है हमें इस पासे को इससे हमें मैच करना है, कैसे मैच करना है, देखो तीन, तीन के बाद चार दे रखा है, ये वाला नंबर, ये वाली सतह हमेशा इस वाले में बीच में आनी चाहिए, तीन, तीन के बाद चार दे रखा है, फिर यहाँ पे एक आ गया, देखो तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद एक आ गया, ऐसे करके क्लॉकवाइज एक सर्किल सा बनना चाहिए, वैसा ही यहाँ पे बनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो एक तरीका और होता है, आपको एग्जाम में हमेशा ऐसे करना है, मैं समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मात्र 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, देखते ही आंसर आ जाएगा आपका जो है। अब एक और तरीका होता है, एक और तरीका क्या होता है, देखो क्या है, देखो चार के अपोजिट लिखना है हमें यहाँ पे, चार की जो विपरीत सतह है वो वाली, ये वाली सतह है, तो चार के अपोजिट हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो चार के अपोजिट क्या, मैं बता चुका हूँ पांच, तो पांच का हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, तीन है, तीन के पीछे वाली सरफेस ये है, तो तीन के अपोजिट क्या है, तो देखो तीन के अपोजिट देखो मैं छह, छह मैंने यहाँ पे लिख लिया, ऐसे करके पीछे लिख लिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस पासे को इस वाले पासे, इन दोनों पासों में से मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, देखो यहाँ पे आपका जो है चार है, चार के बाद जो है छह या कोई भी अंक आना चाहिए, देखो इससे मिलाएंगे, इस वाले से मिलाएंगे, चार है, चार के बाद तीन आ रहा है, चार के बाद यहाँ तीन नहीं आ रहा, इससे मिलाएंगे चार, चार के बाद छह, तो देखो चार दे रखा है, चार के बाद यहाँ छह दे रखा है, और छह के बाद क्या आ गया, एक आ गया, तो ऐसे भी कर सकते हो। इस पासे को हमें इस पासे से मिलाना है, चार है, चार के बाद छह दे रखा है, फिर यहाँ पे एक दे रखा है, चार है, चार के बाद छह दे रखा है, यहाँ पे छह का अंक है, और छह के बाद क्या आ गया, एक आ गया। अगर ये वाला तरीका समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आपको इस वाले तरीके से करना है, ये वाला तरीका एकदम बेस्ट है। तो इसमें क्या करना है, हमें दोनों पासों में से कोई एक कॉमन देखना है, तो क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखो हमें ये जो ई है, हमें दोनों डाइस में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन होता है उसको सबसे ऊपर लिख लेते हैं, कॉमन होता है उसको यहाँ पे सबसे ऊपर लिख लेते हैं, और जो दोनों पासों में जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। क्या नहीं दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पे जो है डी नहीं दिखाई दे रहा, तो डी नहीं दिखाई दे रहा, तो डी मैं यहाँ पे लिख लूंगा। फिर क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वाले पासे से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं, जैसे ई, ई से मैं चलूं यहाँ ए, और ए के बाद क्या आ जाएगा बी, ई से ए, और ए के बाद क्या आ जाएगा बी, ई से चलूंगा, ई से चलूंगा ए, और ए से क्या आ जाएगा बी। फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले पासे से चलेंगे, यहाँ पे देखो ई है, तो ई से चलेंगे सी, और सी से चलेंगे एफ, ई से चलेंगे सी, और सी से चलेंगे एफ, ऐसे करके आप ये भरना सीख गए। उसके बाद क्या करते हैं, इस वाले को इस वाले पासे से मैच कराते हैं, कैसे मैच कराते हैं, देखो यहाँ पे बी के बाद ए दे रखा है, तो यहाँ पे भी बी के बाद ए आना चाहिए, मतलब ये वाली जो सरफेस है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। कैसे बीच में आनी चाहिए, देखो यहाँ ए के बाद बी दे, बी के बाद ए दे रखा है, तो यहाँ पे भी देखो बी है, बी के बाद ए दे रखा है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा अंक आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो देखो बी ए डी यहाँ पे भी बन जाएगा, बी ए डी, ऐसे करके सर्कल बन गया, तो हमेशा हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे करके सर्कल बन गया। एक और तरीका होता है, और जल्दी से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ जो दे रखे हैं अंक वही हमें यहाँ पे देना चाहिए, जैसे ए और बी दे रखा है, यहाँ पे भी ए और बी दे रखा है, अगर सेम सरफेस सेम सतह यहाँ पर और यहाँ पे ऐसे करके दे रखी होती है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मैच करते हैं। कैसे मैच करते हैं, देखो यहाँ पे ए के बाद बी दे रखा है, और यहाँ बी के बाद ए दे रखा है, मतलब ऐसे हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं, तो ए से बी चल रहे हैं, और यहाँ से ए से भी एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं, अगर ए से भी ऐसे करके यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे भी अगर से बी चल रहा होता, तो यहां जो आ रहा है वही वाला अंक यहां पे आ जाएगा, यहां जो आ रहा है वही कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अगर यहां ए से बी चल रहा है, यहां बी से यहां उल्टा चल रहा है, तो यहां का उल्टा आ जाएगा, मतलब ई के विपरीत आ जाएगा, तो ई के विपरीत क्या है, ई के विपरीत यहां पे क्या दे रखा है, डी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। एक बार और समझने की कोशिश करें, देखो यहां जो दे रखा है वही वाला हमें यहां पे दे रखा हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां ए से बी दे रखा है, और यहां जैसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो ए से बी चल रहे हैं, यहां जो है
एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है ए से बी। अगर यहाँ क्लॉकवाइज है, अगर यहाँ पे भी क्लॉकवाइज होता तो यहाँ जो दे रखा है वही अंक यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ क्लॉकवाइज है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका अपोजिट मतलब इसका विपरीत आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको इसी तरीके से करना है। अगर हम इस वाले तरीके पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो इस वाले तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन को हमें वही काम करना है, दोनों में कॉमन अंक देखना है। तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें 6 का अंक कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या करते हैं हम, ऐसे करके पासे को ओपन जो होता है ओपन डैश इस तरीके से हम बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको सबसे ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे 6 का कॉमन है तो 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया। जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो इसके अपोजिट होता है। तो कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे 4 नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने 4 यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या करते हैं, पहले वाले पासे से क्लॉकवाइज चलते हैं, 6 के बाद 2 के बाद 3, 6 के बाद 2 के बाद 3। फिर यहाँ से चलेंगे 6 के बाद 5 के बाद 1, 6 के बाद 5 के बाद 1। ऐसे करके क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे यहाँ मैंने 6 से चला, 6 से 1 पे आया, और 1 से मैं 6 के बाद 2 पे आया, 2 से 3 पे आया, यहाँ 6 के बाद 5 पे आया और 5 के बाद 1 पे आया, ठीक है। ऐसे करके क्लॉकवाइज चलते हैं। फिर क्या करते हैं, इस वाले पासे को इससे मैच करते हैं। कैसे मैच करते हैं, 3 के बाद 2 दे रखा है, 3 के बाद 2 दे रखा है, मतलब ये वाली सरफेस जो है हमेशा बीच में आनी चाहिए। तो देखो 3 है, 3 के बाद 2 बीच में आ गया, फिर क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया, 4। तो ऑप्शन 4 दे रखा है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो गया। ए आंसर क्या हो गया, हमारा सही हो गया। 3 के बाद 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 के बाद 2 दे रखा है। तो देखो यहाँ 3 के बाद 2 दे रखा है, ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसमें भी ऐसे सर्कल क्लॉकवाइज बनना चाहिए। 3 के बाद 2 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम इसके बाद यहीं पे चलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से यहाँ चले जाएं, तो ऐसे करके सर्किल सा बनना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात एकदम आपको समझ में आ गई होगी। एक और तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ जो अंक दे रखे हैं, जैसे 2 और 3 यहाँ दे रखा है, 2 और 3 यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेम सरफेस पे सेम अंक दे रखे हों, जैसे 2 के बाद 3 क्लॉकवाइज दे रखा है, यहाँ 2 के बाद 3 एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है। तो मैं आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, अगर क्लॉकवाइज दे रखा होता तो सेम अंक आ जाता। अगर ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके अपोजिट अंक आ जाएगा। तो 6 के अपोजिट क्या है, 6 के विपरीत क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो मैं 4 भर दूंगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ये बात भी बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। क्या करना है, ये वाला तरीका तो हमारा है ही है, इससे तो मैं करना ही है, ये तो बेस्ट है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से तो करना ही करना है। लेकिन आपको और जल्दी करना है, और आपको यहाँ पे सेम अंक दिखाई दे रहे हो तो ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज हो तो सेम अंक आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज दे रखा हो तो इसके यहाँ पे अपोजिट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी मेरी बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं और बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन में और क्लियर कोशिश करें, बिल्कुल पहले जैसा है जो मैंने इससे पहले करा दिया है, आप करने की कोशिश करें, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, पीछे वाले जैसा है। देखो 10 सेकंड में हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस की है इस पे तो, ठीक है। देखो वो हमें ऐसे करके ओपन डैश बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं हम दोनों पासों में कॉमन अंक देखते हैं। तो इसमें आपको दोनों पासों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे 3 का अंक कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 का अंक, हमें यहाँ बताना क्या आएगा। तो मुझे इन दोनों पासों में 3 का कॉमन दिखाई दे रहा है, और जो कॉमन दिखाई देता है उसे हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ऊपर लिख लेते हैं, जो दोनों पासों में कॉमन होता है उसे ऊपर लिख लेते हैं, और जो दोनों पासों में नहीं दिखाई दे रहा उसे हम नीचे लिख लेते हैं। तो कौन सा वाला अंक नहीं दिखाई दे रहा, मुझे 6 का नहीं दिखाई दे रहा, 6 मैंने नीचे लिख लिया। फिर क्या करते हैं, पहले वाले पासे से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। फिर क्या करते हैं, दूसरे पासे से क्लॉकवाइज चलते हैं, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। ये वाला हमारा भर गया, ओपन डैश को हम भर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इस वाले को इससे मैच करते हैं, इस वाले को इससे मैच करते हैं, 6 के बाद 5 दे रखा है। ये वाली सरफेस हमेशा क्या होनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। ये वाली सरफेस कहाँ होनी चाहिए, हमेशा बीच में आनी चाहिए। 6 के बाद 5 दे रखा है, तो देखो यहाँ पे 6
और छः के बाद पाँच दे रखा है, पाँच के बाद क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। तो हमारा चार वाला ऑप्शन कौन सा है, ये सही है। तो यहाँ पे कौन सा अंक आ जाएगा, चार आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली बात मेरी बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी, ये वाली बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। एक और तरीका होता है, चाहो तो इसके नंबर अपोजिट लिख लो, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसी से करना है। अगर हम इस वाली चीज़ पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पांच को देखते हैं, ये वाला पांच वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, वही काम करना है, सबसे पहले ओपन डैश बनाना है, खुला हुआ पासा इस तरीके से बनाना होता है। हमें सबसे पहले ऐसे करके बना लेते हैं, ऐसे करके फिर क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले पासे, इन दोनों पासों में हम कॉमन देखते हैं, इन दोनों पासों में हम क्या देखते हैं, कॉमन अंक देखते हैं। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो मुझे यहाँ पे कॉमन n दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, दोनों में कॉमन है। जो कॉमन होता है उसे सबसे ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इन दोनों में जो दिखाई नहीं देता है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो इन दोनों में क्या नहीं दिखाई दे रहा, देखो यहाँ पे जेड दे रहा है और यहाँ पे कहीं जेड नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं एन के अपोजिट यहाँ पे जेड लिख दूंगा। जो दोनों में नहीं दिखाई देता है उसे हम नीचे लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वाले पासे से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखो n, n के बाद एट द रेट के बाद क्या चलेंगे, डॉलर। तो n, n के बाद क्या चला, एट द रेट, और एट द रेट के बाद क्या चला, यहाँ पर डॉलर चला। ऐसे करके चलते हैं n, ऐसे करके क्लॉकवाइज चलते हैं। फिर दूसरे वाले पासे से मैं चलूं तो देखो n, n के बाद कहाँ चलना है, ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद t दे रखा है। n, n के बाद यहाँ पर क्या चलना है, एन के बाद ट्रायंगल चलना है, और ट्रायंगल के बाद क्या चलना है, टी पे चलना है। ऐसे करके ये वाला भर गया, अब ये भर गया तो इस वाले को हम इस वाले पासे से मैच करते हैं। कैसे मैच कराते हैं, तो देखो जेड, जेड के बाद टी दे रखा है, ये वाला बीच में आना चाहिए, जेड के बाद टी, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो जेड दे रखा है, यहाँ पे जेड दे रखा है, और जेड के बाद यहाँ टी भी दे रखा है। तो देखो यहाँ से चलेंगे, तो देखो जेड, जेड के बाद टी, और टी के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे करके सर्किल सा बन जाएगा, क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रायंगल। यहाँ पे कौन सा अंक आ जाएगा, यहाँ पे भाई ट्रायंगल आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला। ऐसे करके तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कहीं पे ट्रायंगल, पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा पहला वाला आंसर, ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। चाहे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, इसके किसी भी, इसके पीछे लिख के वो वाला पहला बताया था, उस तरीके वाला क्वेश्चन चलते हैं। छह वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो तो वही काम करना है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वही काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐसे करके ओपन डैश बनाते हैं, ऐसे करके एक ओपन डैश बनाते हैं, ऐसे करके फिर क्या करते हैं, इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं, दोनों पासों में हम एक कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन दे रखा है। तो देखो पहले और दूसरे में यहाँ पर रेखा कॉमन दे रखी है, ये रेखा यहाँ पर है, रेखा यहाँ पर है। मैं आपको बता चुका हूँ पहली क्लास में, चाहे नाम दे रखे, कोई अल्फाबेट दे रखे, कोई अंक दे रखे, उस चीज़ से हमें हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम दोनों पासों में देखते हैं दोनों पासों में क्या कॉमन दे रखा है। तो हमने देखा दोनों पासों में रेखा कॉमन दे रखा है, तो जो कॉमन होता है, रेखा कॉमन दे रखी है, जो कॉमन होता है वो सबसे ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हमने रेखा लिख दी। फिर क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं, रेखा, रेखा के बाद सीमा, सीमा के बाद रवि, रेखा, रेखा के बाद यहाँ पर लिखेंगे सीमा, सीमा के बाद लिखेंगे यहाँ पर रवि, लिख दिया। फिर क्या करते हैं, दूसरे पासे से चलते हैं, दूसरे पासे से चलेंगे, रेखा, रेखा के बाद कृष्णा दे रखा है, और कृष्णा के बाद शिव दे रखा है। तो देखो रेखा, रेखा के बाद यहाँ पर कृष्णा आ जाएगा, और कृष्णा के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, शिव आ जाएगा। जो दोनों ऑप्शनों में नहीं दे रखा है उसे हम नीचे लिख लेते हैं, क्या नहीं दे रखा है। तो देखो यहाँ पर रोहन दे रखा है, इन दोनों में रोहन नहीं दे रखा है, तो नीचे हम क्या लिख लेंगे, रोहन लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, रोहन लिख देंगे। तो बस क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर क्या करते हैं हम, इस वाला है जो खाली, जो जिसके पूछा होता है, जो खाली पासा होता है, उसको हम इस वाले से मैच कराते हैं। तो इस वाले पासे को इससे मैच कराएंगे, तो देखो रवि, रवि के बाद क्या दे रखा है हमने, रवि, रवि के बाद रोहन दे रखा है, रवि, रवि के बाद क्या दे रखा है, रोहन दे रखा है। तो देखो रवि चलेंगे, रवि कहाँ दिख रहा है, रवि यहाँ दिख रहा है, रवि के बाद रोहन दिख रहा है, रोहन के बाद यहाँ कृष्णा आ जाएगा। ऐसे करके सर्किल सा बनना चाहिए, रवि, रवि के बाद रोहन, रोहन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई दोस्तों, कृष्णा आ जाएगा। कृष्णा ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है सी नंबर पे, तो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
उम्मीद करता हूँ ये वाली बात मेरी बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। वही काम करना होता है, दोनों पासों में देखना है क्या अंक कॉमन है, उसको ऊपर लिखेंगे, उसके अपोजिट नीचे लिखेंगे और पहले वाले पास से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देते हैं। इसको चाहे तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं जो पहला वाला बताया था, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसी से करना है। कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा, बहुत जल्दी आ जाएगा और इस पर आपको मैं 6 क्वेश्चन करा चुका हूँ तो आपको प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई होगी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा और कोई भी बुक लगाना और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी तक क्या था, अभी तक इनमें केवल एक अंक कॉमन दे रखा होता था। क्या होता था कि ओनली एक अंक कॉमन दे रखा था यहाँ पे। अगर आपको दो अंक कॉमन दे दे, दो सतह आपको कॉमन दे दे, तो उसको हम किस तरीके से करते हैं वो और आसान रहता है। वो और आसान है वो मैं आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, 7 वाले क्वेश्चन में। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी क्या था कि अभी हमें केवल एक अंक कॉमन दे रखा था, अब इन पासों में क्या है कि हमें दो अंक कॉमन दे रखे हैं। तो देखो दो अंक कॉमन दे रखा होता है उसको हम किस तरीके से करते हैं। तो इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो देखो मुझे यहाँ पे 5 और 2, ये वाला जो 5 और 2 ये वाला कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 का और 2 का कॉमन दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको सबसे पहली वाली क्लास में क्लियर कर चुका था कि जो दो कॉमन होते हैं उनको कॉमन से हटा देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग बचता है वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो देखो 2 5 से 2 5 हट गया, यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा, 4 6 के विपरीत हो गया, 4 6 के विपरीत हो गया। तो देखो यहाँ पे, यहाँ हमने विपरीत ज्ञात कर लिया कि 4 6 के विपरीत है, 4 6 के विपरीत है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले क्वेश्चन में ये देखना है कि यहाँ पे 4 या 6 कोई भी अंक दे रखा है, तो यहाँ पे देखो 6 वाला अंक दे रखा है। और मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ के दो अपोजिट जो होते हैं वो ना तो एक साथ कहीं पे आ सकते हैं किसी भी पासे में, और ना एक साथ छुपे हुए रह सकते हैं किसी भी पासे में। तो एक अंक का आना अनिवार्य है, एक अंक का आना भी अनिवार्य है और एक अंक का छुपा रहना भी अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे 6 का दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि 4 का तो नहीं आ सकता, जब यहाँ पे 6 तो यहाँ 4 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये विपरीत हैं और विपरीत कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो देखो हम ऑप्शन देखते हैं, इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे, अगर मुझे जिस ऑप्शन में 4 का दिखाई दे रहा होगा वो वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो देखो मैं पहले को छोड़ देता हूँ, दूसरे को देखूँ यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 और 5, तो 4 या 5, तो 4 तो हो ही नहीं सकता। जब एक दे रखा है, एक विपरीत दे रखा है, तो दूसरा तो आ नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी दे रखा है 1 या 4, तो 4 देखा हटा दिया, यहाँ पे 2 या 4, तो ये भी हटा दिया, 4 दे रखा है, क्योंकि दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते। तो पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है, 1 या 5, यहाँ पर 1 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, हम फिक्स नहीं कह सकते कौन सा होगा, लेकिन ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है, 1 या 5 में से कोई भी हो सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन और ज़्यादा आसान होते हैं जब दो डाइस में दो अंक कॉमन दे रखे हों, तो कॉमन से कॉमन हट जाता है, जो रिमेनिंग बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट रहता है, यहाँ पे 4 के अपोजिट 6 हो गया। और हमें यहाँ पे देखना होता है इसमें से कोई ना कोई आपको यहाँ पे दे रखा होगा 4 या 6, यहाँ पे 6 दे रखा है, तो 4 कभी नहीं आ सकता यहाँ पे। तो जिस ऑप्शन में 4 दे रखा है उन ऑप्शनों को हम हटा देंगे, बाकी जो ऑप्शन बचेगा वो एकदम सही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है, हमें इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक तो पीला दिखाई दे रहा है और एक लाल दिखाई दे रहा है। तो देखो पीला और लाल ये वाला जो है हमें यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, पीला और लाल हमें यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है। तो कॉमन से कॉमन ये हट जाएंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो नीला बचा इसमें से और इसमें क्या बचा, हरा बचा। तो नीला अपोजिट होगा भाई हरे के, नीला हरे के विपरीत है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कोई नीला या हरा कोई दे रखा है, भाई कोई नहीं दे रखा, कोई नहीं दे रखा। तो क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे देखना है कौन सा
कलर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमें देखना है। तो हमें इतना तो पता है, मैं अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ये दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसमें से एक दिखाई देगा तो एक छुपा रहेगा। तो अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। इस तरीके क्वेश्चनों को जब दो हमें कॉमन दे रखे हों तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करते हैं। ये कैसे करते हैं भाई, ऑप्शन से करते हैं। तो हमें देखना है नीला और हरा दे रखा है, इन दोनों का, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो ऑप्शन में देखें भाई दोनों, देखो नीला अथवा हरा, एक का अनिवार्य है और एक का ना अनिवार्य है। तो अथवा का मतलब भाई समझना, यहाँ पे क्या कह रहा है, नीला और हरे में से एक आना है यहाँ पे। अब देखो दोनों सत्य हैं, दोनों छुपे हुए तो रह नहीं सकते, यहाँ पे कोई एक तो आएगा। अब देखो नीला अथवा हरा मतलब यहाँ नीला आ सकता है अथवा हरा आ सकता है, उसकी पहले वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे कॉमन नहीं लगा रहा, आप कहोगे ये दोनों में से कोई आ सकता है, यहाँ कह रहा है वो अथवा मतलब नीला अथवा हरा, मतलब नीला आ सकता है यहाँ पे अथवा हरा आ सकता है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आ सकता है और हमें इन दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे लाना है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। और दूसरे को भी चेक कर लें, हरा अथवा पीला, भाई हरा पीला तो दे रखा है, ये तो आएगा ही नहीं। हरा पीला भाई, हरा पीला यहाँ पे दे रखा है, हरा अथवा पीला, अगर हरा आ जाएगा अथवा पीला, पीला तो आएगा ही नहीं क्योंकि इधर दे रखा है। पहला दूसरा ऑप्शन गलत, पीला अथवा लाल, भाई पीला पीला तो आएगा ही नहीं, अथवा नीला अथवा लाल, तो नीला भी नहीं आ सकता भाई, नीला तो इधर दे रखा है। तो यहाँ पे नीले और हरे दोनों में से एक का आना अनिवार्य है, तो दोनों में से एक का आना अनिवार्य है, तो यहाँ पे वो कह रहा है नीला अथवा हरा, तो मतलब नीला यहाँ पे आ सकता है या हरा, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लैंग्वेज को समझना, यहाँ पे भाई अथवा दे रखा है, आप यहाँ पे कॉमन नहीं दे रखा है, तो इसको समझना, नीला अथवा हरा मतलब नीला या हरा, इन दोनों में से कोई भी यहाँ एक आ सकता है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी कि अगर दो कॉमन दे रखे हों तो वो हमें कैसे करने, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये नौवां क्वेश्चन दे रखा है। अभी तक क्या था कि हमें केवल एक सरफेस को भरना होता था, एक सतह को बताना होता था कि इस पे क्या अंक आएगा। अब क्या है, इसमें दो सरफेस खाली हैं, दो सतह खाली हैं, हमें मतलब दो अंक भरने, क्या अंक आएगा। अभी तक क्या था कि हमें एक अंक भरना होता था, इन वाले क्वेश्चनों में क्या है, हमें दो अंक भरने भाई। तो देखो ये और आसान है, देखते हैं पहले क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे हमें दो कॉमन दे रखे हैं, दो कॉमन दे रखे हैं तो बहुत आसान हो जाता है। देखो दो कॉमन दे रखे हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो रिमेनिंग बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, मतलब एक के अपोजिट तीन है। एक के अपोजिट क्या है, एक के अपोजिट क्या है, तीन है। यहाँ पे एक के अपोजिट तीन आ गया। तो देखो हमें यहाँ पे इतना याद रखना है भाई कि ये दोनों अंक जो हैं यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं आ सकते भाई। एक का मैं आपको बता चुका हूँ पीछे वाले क्वेश्चन में कि जो ये दोनों अपोजिट हैं, जो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इन दोनों में से कोई एक आएगा और एक क्या रहेगा, छिपा हुआ रहेगा। तो हमें एक तीन के अपोजिट है, हम इन दोनों पासों से ये चीज़ याद कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे भरना है तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ इन दोनों में से एक अंक आएगा और एक छुपा रहेगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं भाई, एक और तीन दे रखे हैं तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। इन तरीकों जब दो कॉमन दे रखे हों इसको हम जो है ऑप्शन से ही करते हैं। तो देखो एक और तीन दे रखा है तो दोनों नहीं आ सकते, पहला गलत हो गया। दो और पांच दे रखा है तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें से एक और तीन नहीं दे रखा है। दो और छह दे रखा है तो ये भी भाई गलत है, एक और तीन में से यहाँ कोई नहीं दे रखा है। यहाँ पे एक और छह दे रखा है तो देखो एक यहाँ पे दे रखा है, एक ये दे रखा है यहाँ पे, मतलब एक आ रहा है एक छुपा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा डी एकदम सही है। तो देखो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, एक बार और देख लेते हैं। अगर दो डैश दे रखे हों और दो सरफेस हमें, दो सतह भरनी हो तो हमें यहाँ पे दो कॉमन होते हैं तो वो हट जाते हैं, रिमेनिंग जो बचता है वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। और ये बात हम अच्छे से समझ चुके हैं, अब तक इतना डैश पढ़ चुके हैं तो कि ये दोनों अपोजिट हैं और ये दोनों अपोजिट यहाँ पे एक साथ नहीं आ सकते, एक का आना अनिवार्य है और एक का छुपा हुआ रहना भी अनिवार्य है। फिर हम ऑप्शन देखते हैं भाई, एक और तीन, तो यहाँ पे एक और तीन दोनों दे रखे हैं तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ एक और तीन में से कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं दे रखा है तो ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि एक का आना अनिवार्य है। यहाँ दो और छह दे रखा है, यहाँ पे एक और तीन में से कोई नहीं दे रखा है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ एक और छह दे रखा है मतलब एक दे रखा है, एक छुपा हुआ है, तो हमारा इसलिए ऑप्शन डी एकदम सही है। यहाँ पे एक और छह आ जाएगा,
एक और छः आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी और आगे वाले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी दो सरफेस भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यहाँ पे भी हमें यही काम करना है। यहाँ पे पीछे वाला जो दे रखा है वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे दो सरफेस दे रखे हैं, दो अंक खाली हैं, यहाँ पे भरना है हमें क्या आएगा। तो हमारा वही काम है दोस्तों, हम दोनों पासों में देखते हैं क्या कॉमन दे रखा है। तो यहाँ पे 2 और 6 कॉमन दे रखा है, यहाँ पे देखो 2 और 6 कॉमन दे रखा है। बाकी जो बचता है वो एक दूसरे के रिमेनिंग होता है, कॉमन है, कॉमन से कॉमन हट गया। बाकी जो बचा क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा। 1 किसके अपोजिट है, 1 5 के अपोजिट है। 1 हमने यहाँ से निकाल लिया भाई, 1 5 के अपोजिट है। अब देखो ऑप्शन की तरफ चले हम, ये वाला डैश देखें तो देखो 5 दे रखा है यहाँ पे और 1 5 पहले से दे रखा है। तो हमें पता है भाई 1 जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, 1 हमें यहाँ पे नहीं आ सकता। अब हम ऑप्शन की तरफ देखें तो हम वो वाला ऑप्शन बिल्कुल हटा देंगे जिसमें 1 दे रखा होगा, वो ऑप्शन हम बिल्कुल हटा देंगे। तो पहला वाला ऑप्शन देखें तो इसने दे रखा है भाई 1 और 2, 1 2 तो नहीं आ सकते, क्योंकि भाई 2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 अपोजिट उसने पहले से दे रखा है, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए पहला हम हटा देंगे। दूसरे में देखें तो 1 दे रखा है, तो यहाँ पे भी हटा देंगे क्योंकि ये वाला 1 तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पे भी देखें 1 और 4 दे रखा है, ये वाला 1 दे रखा है, इस ऑप्शन को भी हटा देंगे। तो ऑप्शन डी एकदम राइट, ऑप्शन डी बचा तो ये एकदम सही है। यहाँ पे 1 नहीं दे रखा है, 3 और 4 ये आ सकते हैं यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात भी बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी, ये बात भी समझ में आ गई होगी। जब 2 ऑप्शन दे रखे हों तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें से दोनों में से केवल 1 ही अंक आएगा, तो यहाँ पे 3 और 4 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो आगे ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि देखो आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ तभी समझाऊंगा, ठीक है। तो आगे वाला 11 नंबर क्वेश्चन देख, तो देखो भाई ये आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है देखो, किसी भी पासे को हम ज्ञात करने के लिए दो पासों में कोई ना कोई अंक कॉमन होना जरूरी है, चाहे 1 अंक कॉमन हो या 2 कॉमन हो। हमें इस वाले पासे में देखते हैं, देखो हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें, देखो पहले दूसरे में कोई कॉमन नहीं है, पहले और चौथे की बात करूं, दूसरे चौथे की बात करूं तो कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है कोई भी अंक, तो हम इसे पासे के तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो ये पासा है ही नहीं जब कॉमन नहीं है। भाई करने के लिए, पासे को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ 1 अंक या 2 अंक कोई ना कोई अंक कॉमन होना चाहिए। जब इसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो हम कह सकते हैं भाई ये पासा नहीं है। तो ये पासा नहीं है तो फिर क्या चीज़ है, तो देखो भाई हमें ये लग रहा है भाई पासे के रूप में उसने कोडिंग डिकोडिंग का कोई सवाल दे रखा है हमें, हमें लग रहा है कि भाई पासे के रूप में कन्फ्यूज हमें करने के लिए उसने कोडिंग डिकोडिंग का कोई सवाल दे रखा है, कि पासे के रूप में दे रखा है, तो एग्जामिनर ने कि भाई ये बच्चे जो हैं कन्फ्यूज हो जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे दूँ। तो कैसे करना है इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी होती है। तो यहाँ नंबर करते हैं 1 यहाँ 24 यहाँ 21 हो गई, तो देखो कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी करके देख लेते हैं 8 5 2, तो देखो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ 1 से 24 आया, मतलब 3 कम कर दिए, और 24 से 21 गया, यहाँ पे भी 3 कम कर दिए। अब देखो यहाँ पे देखूँ 8 से 5 पे आया, मतलब 3 कम कर दिए, और 5 से 2 पे गया, मतलब यहाँ पे भी 3 कम कर दिए, मतलब समय में आ गया कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और वो 3 कम कर रहा है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे 12 9 6, 12 से 3 कम किया 9 हो गए, फिर 9 से 3 कम किया 6 हो गए, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो देखो मैं अगर ए से 3 कम कर रहा हूँ तो एक्स आ रहा है, और इसमें से 3 कम कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है आपका यू आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें अगर मैं एच से 3 कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे ई आ रहा है, और ई में 3 कम करता हूँ तो बी आ रहा है। वैसे ही हमें पी यहाँ पे 16 पे दे रखा है, तो पी से मतलब मैं 3 कम कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम आ जाएगा 13 पे, फिर मैं 3 कम कर दूँ इसमें से तो क्या आ जाएगा जे आ जाएगा कितने पे 10 पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया एम और जे ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे एम आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा जे आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये कितना हो गया
13 हो गया, 10 हो गया, यहाँ 3 कम कर दिए इसमें से, यहाँ पे 3 कम कर दिए। तो देखो M और J दे रखा है भाई, देखो सी वाले ऑप्शन पे दे रखा है, ऑप्शन मैच करेंगे सी वाले पे दे रखा है। तो ये जो है पासे के रूप में हमें कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसे करके हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समय में आ गया होगा, और एग्जाम में आए तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आओगे, इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, देखो इसे हम देखें तो इस वाले क्वेश्चन को हम देखें तो देखो पहले दूसरे में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा भाई, तीसरे में दे रहा है, नहीं दे रहा, इसमें भी हमें कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, और पासे को करने के लिए हमें कॉमन होना अनिवार्य है इस तरीके के क्वेश्चनों को। तो नहीं है तो क्या है भाई ये, जब पासा नहीं है तो क्या है भाई ये, पासा नहीं है तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और जो हमें पासे के रूप में दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, वही काम करेंगे, देखो कैसे क्या पता लगाएं इसमें। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ये कितने पे आता है भाई, 22 पे आता है, ये 20 पे आता है, और ये एक्स 24 पे आता है, ठीक है। एम 13 पे आता है, पी 16 पे आता है, एस 19 पे आता है, ई 5 पे आता है, ए 1 पे, और ये 9 पे आता है। तो देखो पहले से देखें तो देखो टी से हम V पे गए, मतलब 2 ऐड कर दिया, और V से हम X पे गए तो यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये 2-2 ऐड कर रहा है, और कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये T से। अब देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से M से स्टार्ट कर रहा है ये, M से P पे गया, कितने ऐड कर दिए, 13, 13 में 16 पे गया, 3 ऐड कर दिए, तो देखो यहाँ इसने 3 ऐड किए, और P से S पे आया है तो यहाँ पे भी उसने 3 ऐड कर दिए, ठीक है। मतलब पहले 2 ऐड किए फिर 3 ऐड किए। अब यहाँ से चलेंगे हम, A से स्टार्ट करें, A से वो गया E पे, मतलब 4 ऐड कर दिए, 4 ऐड कर दिया, और E में 4 ऐड करेंगे तो किस पे आ गया, I पे आ गया। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई, हम स्टार्ट भी यहीं से करेंगे, जब सब में देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से तो हम भी यहाँ से करेंगे। तो देखो सबसे पहली बार उसने 2 ऐड किया है, 2 प्लस किया है, फिर 3 प्लस किया है, फिर 4 प्लस किया, मतलब 2, 3, 4, तो आगे क्या प्लस करेगा, आगे वो 5 प्लस करेगा, क्या करेगा भाई, 5 प्लस करेगा, और यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, J दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 पे दे रखा है, मतलब 5 पीछे जाएंगे, अगर हमें यहाँ आना है, पीछे आना है, तो 5 पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, E पे। तो E में 5 ऐड किया, J आ गया, और J में मैं 5 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा 15 पे, तो O आ गया यहाँ पे। तो क्या आ गया भाई, E आ गया और O आ गया, तो E और O ऑप्शन में दे रखे हैं, देखो E तो भाई यहाँ पे आ जाएगा और O यहाँ पे आ जाएगा, E और O दे रखें भाई, E और O पहले ही ऑप्शन में दे रखें, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये भाई हमें पास के रूप में कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ मेरी बात बिल्कुल आपको समझ में आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी क्वेश्चन में आए तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है, तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा भाई आपके लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कोडिंग डिकोडिंग के रूप में वो पासे का भी क्वेश्चन दे सकता है। ये भाई क्वेश्चन आए हुए हैं, ये RRB में पूछे जा चुके हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये आपको RRB में पूछे जा चुके हैं, दोनों क्वेश्चन वही क्वेश्चन कराए मैंने, आगे भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो अच्छे से कर लें आप, ये भी समझ लें कि भाई वो हमें एग्जामर घुमाने के लिए पासे के रूप में कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन दे सकता है। तो वो मैंने इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग का जो है यहाँ पे पासे वाले में ही करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और कोई भी नहीं आई हो तो कमेंट करना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक शेयर कर दिया करो। तो मिलते हैं भाई आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।